हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम और आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए ब्लॉग में। तो चलिए, आज की जर्नी हमारे होने वाली है ट्रेन नंबर 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि सियालदह से चल के हर रोज़ भाया आसनसोल, बरौनी, समस्तीपुर के रास्ते जयनगर तक जाती है। तो आज की जर्नी बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, आपको ट्रेन के हर चीज़ के बारे में बताएंगे। और हम अभी आ चुके हैं नेहटी जंक्शन पे, तो आज की जर्नी हमारी यहीं से शुरू होने वाली है और यहां से आपको हम पूरे समस्तीपुर तक की फुल टूर जर्नी दिखाएंगे। तो बने रहिएगा। ये देखिए, ये नेहटी जंक्शन है, आप देखिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बजे और अपनी ट्रेन जो है 6:38 पर आने वाली है। तो चलिए ट्रेन का अराइवल आपको दिखाते हैं, फिर ट्रेन के बारे में आपसे बात करते हैं। एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल रेल न्यूज एंड ब्लॉग्स। चलिए गंगा सागर एक्सप्रेस का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। ये गरीफा स्टेशन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं गरीफा हुगली ब्रिज से पहले आता है। तो चलिए, तो यहाँ का देखिए टॉयलेट आपको दिखाते हैं। चलिए, गमक तो ठीक है, यहाँ वॉशरूम तो ठीक है। चलिए, अभी तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, आगे आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है। तो आज आपके भाई का कोच है S8 और सीट नंबर आपको दिखाते हैं। एक दर्जन का बेस अब जो है हम लोग हुगली ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हुगली ब्रिज, वो पुराना हुगली ब्रिज है जिसको जुबली ब्रिज भी कहते थे। अब यहाँ डबल रेल रूट का पुल बन चुका है, आप देखिए वहाँ डबल लाइन का देख लीजिए, वो डाउन रूट है, ये अप रूट है, आप देख सकते हैं। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो पुराना ओवर ब्रिज है। चलिए इसके वॉश बेसिन को देखते हैं। देखिए, जर्नी अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और इसमें पानी नहीं, आप देख सकते हैं, बताइए कैसे क्या होगा। चलिए, कब पानी आता है देखते हैं। बोले ट्रेन के बेसिन का हाल आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, किसी ने यहाँ पे थूक फेंका है, उसके बाद फ्लश भी नहीं किया है पानी को, आप देख सकते हैं। अगर आप भी यात्रा करते हैं ट्रेन में तो आपसे रिक्वेस्ट होगा मेरा, आप इस तरह की हरकतें ना करें, देख सकते हैं। तो अपनी ट्रेन जो है बैंडेल जंक्शन पहुंच चुकी है और ये जो है इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है। ये ट्रेन जो है सबसे पहले बिरहान नगर रुकती है, उसके बाद नेहटी और फिर बैंडेल जंक्शन, आप देख सकते हैं।
देख सकते हैं ये जो है बैंडेल जंक्शन है, और अगर इस स्टेशन की बात करूँ तो इसका स्टेशन कोड BDC है, और यहाँ इस ट्रेन का केवल 4 मिनट का हॉल्ट है। और अगर बैंडेल जंक्शन की बात करें तो ये जो है हावड़ा और सियालदह का मेन रूट है, और यहाँ से आप डायरेक्ट हावड़ा के लिए भी ट्रेन पकड़ सकते हैं और डायरेक्ट आपको यहाँ से सियालदह के लिए भी ट्रेन मिल जाएंगी। तो ये हावड़ा स्टेशन है, बैंडेल जंक्शन है सॉरी, आप देख सकते हैं, और यहाँ केवल अपनी ट्रेन का 4 मिनट का हॉल्ट है, 181-85 गंगा सागर एक्सप्रेस। तो चलिए जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, आपको पूरा हाल दिखाते हैं। चलिए अपनी ट्रेन जो है केवल 4 मिनट रुकने के बाद बैंडेल जंक्शन से खुल चुकी है। चलिए सॉरी, देखिए यहाँ से ट्रेन खुल चुकी है। बैंडेल जंक्शन स्टेशन कोड BDC, और अब अपनी ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो सीधे आपको बर्धमान जंक्शन रुकेगी। ये काफी पुराना स्टेशन है, देगा ना। और हाँ, अगर गंगा सागर एक्सप्रेस की बात करूँ तो मैं इससे पहले जो है मैं एक और गंगा सागर एक्सप्रेस यानी 181-86 का एक छोटा ब्लॉग दे चुका हूँ, जो कि मेरा जर्नी जो था उसमें मैं जयनगर से आपको जो है हाय घाट तक की जर्नी दिखाया था। तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप जाए वहाँ देखें और उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए अपनी ट्रेन जो है यहाँ से खुल चुकी है, अब चढ़ते हैं ट्रेन में फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए अपनी ट्रेन जो है खुल चुकी है वर्धमान जंक्शन से। और अगर वर्धमान जंक्शन की बात करूं तो ये एक कलकत्ता का बहुत बड़ा जंक्शन है, जहां से रोज़ाना तकरीबन 100 से ज़्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती है। देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत एक ब्रिज है वर्धमान जंक्शन के ऊपर, वहाँ से एक और ट्रेन जो है देखिए खुल चुकी है वर्धमान जंक्शन से। चलिए नेक्स्ट स्टेशन में मिलते हैं। जो है अब दुर्गापुर पहुँच चुकी है, और यहाँ भी अपनी ट्रेन जो है अपने नियत समय से ही पहुँची है। तो देखिए ये रहा दुर्गापुर जंक्शन,
और यहाँ इस ट्रेन का केवल 4 मिनट का हॉल्ट है। तो देखिए दुर्गापुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी ट्रेन जो है 131-85 आई है। ट्रेन का जो है अब लाइन क्लियर हो चुका है, तो चलिए ट्रेन जो है दुर्गापुर जंक्शन से खुल चुकी है। देखिए यात्रियों